कोटा भोजपुरी में एक नया आयाम स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। और आज जो है बिहार की धरती पे ऐतिहासिक शो होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए और संगीत के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा काम होगा। सर, ये पहला अवार्ड शो होने जा रहा है जिसमें सारे कलाकार सारे स्टार एक साथ होंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही तो सबसे अच्छा समय होता है हम लोगों के लिए जी, क्योंकि जो हमारा परिवार है वो यही भोजपुरी परिवार है, और हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई शो होता है, ऐसा कोई अवार्ड होता है, तो पूरा परिवार एक साथ जुट के और जश्न मनाता है। तो आज के दिन का इंतज़ार तो हम लोगों को हमेशा रहता है कि ऐसा कोई समय आए जहां पूरा परिवार इकट्ठा हो जी। तो आज बहुत आनंद आएगा, सभी हमारे परिवार के लोग होंगे। सर, पटना में जो अवार्ड शो है वो बहुत कम होते हैं, जब इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे जो बिहारवासियों के लिए कि वो आते हैं और वो पार्टिसिपेट भी करते हैं इन चीज़ों में? बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, और देखिए हमारा जो बिहार है वो पूरे दुनिया में, आप चाहे देख लीजिए हमारे भिखारी ठाकुर जी को देख लीजिए, चाहे महेंद्र मिश्र जी को देख लीजिए, शारदा सिन्हा जी को देख लीजिए, हमारे भरत शर्मा जी को देख लीजिए, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए, हमारे पवन सिंह जी को देख लीजिए, खेसारी लाल यादव जी को देख लीजिए, अभी अंकुश राजा आ गए, तो बिहार की धरती ने तो संगीत के क्षेत्र में एक से एक धुरंधर दिया है, तो इस मिट्टी का तो कमाल है, पूरी दुनिया इसको मानती है। सर, सांसद बनने के बाद से जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ी है और आप उसको अपने कंधे पे उठा के चल भी रहे, लेकिन सर अभी भी अगर भोजपुरी फिल्मों की बात जब जब आती है तो मल्टीप्लेक्सेस अभी भी छूता है सर, तो क्या आने वाले समय में लग रहा है सर कि इन चीज़ों में बदलाव होगा और भोजपुरी को जगह मिलेगी? निश्चित रूप से, और आप देखिए कि आज जो है छोटे छोटे शहरों में भी मल्टीप्लेक्स बनने लगे, पहले तो था ही नहीं और अब धीरे धीरे बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब हर शहर में ये मल्टीप्लेक्स बन जाएगा तो वहाँ भोजपुरी फिल्में भी लगेंगी, निश्चित रूप से लगेंगी, क्योंकि भोजपुरी में बहुत अच्छी फिल्में बन रही है, इतना विषय प्रधान फिल्में बन रही है कि उसे देख के हमारा भोजपुरी समाज भी ये कह रहा है कि इसी तरह के सिनेमा की चाहत हम लोगों की थी, ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए थी, और सभी लोग अच्छी फिल्म बना रहे हैं, तो ये अच्छी फिल्मों की ही देन है कि उसकी डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग मल्टीप्लेक्स में भी अपनी भोजपुरी सिनेमा को। सर, बिहार में बीजेपी वापस आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? बिहार की राजनीति को लेकर क्या कहिएगा, कैसे देखेंगे? मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश के लिए सोचता है, देश के भले के लिए सोचता है, वो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ही होगा, और जब जिसको समझ में आता है तब वो प्रधानमंत्री जी के साथ हो जाता है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ आना तय किया, और निश्चित रूप से ये हमारे बिहार के लिए भी बहुत अच्छा होगा। अमरपाली मैम, आपसे भी सवाल रहेगा, मैम आपको देखकर लोगों ने फिल्मों को बहुत अप्रिशिएट किया है, चीज़ें काफ़ी बदली है, मैम आने वाले जो न्यू कमर्स लड़कियां हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से इंडस्ट्रीज में कदम रखे, काम करें और भोजपुरी को आगे बढ़ाएं? आई थिंक मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, आज फिर बोलूँगी कि लड़कियां जब अपने घर से निकलें इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो पहले ही परिपक्व होकर निकलें, अपने एक्टिंग स्किल्स अपने परफॉर्मेंस स्किल्स पर काम करके इंडस्ट्री में आए, और कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद उनकी परमिशन लेकर ही वो काम करना चाहिए। एंड आई थिंक इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री, हमारे इंडस्ट्री में आए दिन बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे फिल्में बन रही है, तो अभी प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बन चुका है, हर आर्टिस्ट सिर्फ लड़कियों की नहीं लड़कों की भी मैं बात करूँगी, हर किसी के लिए बहुत जगह है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, एंड वी आर लुकिंग आउट फॉर न्यू कमर्स, हम लोग वेट कर रहे हैं कि नए बच्चे आए और अच्छा अच्छा काम करें, अपना नाम बनाएं। मैम, जब महिला प्रधान फिल्में भोजपुरी में बनी है उसको अच्छे घर के लोग भी थिएटर जाकर देखे हैं, तो मैम क्या इस तरह की फिल्म में इस तरह के कंटेंट पे काम करना और आप लोग जब जब आते हैं तो क्या सोचते हैं कि किस तरह से भोजपुरी परिवेश का ख्याल रखा जाए, यहाँ के ऑडियंस का ख्याल रखा जाए? हम लोग हमेशा कंटेंट पे ही ध्यान देते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने से पहले हमारा पूरा फोकस इसी बात पर रहता है कि हम क्या शूट करने जा रहे हैं, हम हमारी स्क्रिप्ट को हमारी
उस फिल्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी स्क्रिप्ट होती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में होती है। तो ऑब्वियसली जब भी कंटेंट बेस्ड सिनेमा बनेगा लोगों को पसंद आएगा ही। हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी हमने अच्छे कंटेंट पर फिल्म बनाई है लोगों को पसंद आई है। सो वही हमारा सबसे बेसिक रीज़न होता है फिल्म। जी बिल्कुल, अभी जैसे आपने कहा कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों की बात, तो मैंने अभी मंडप फिल्मिंग की है जो पसंद आई। उससे पहले एक विद्या फिल्म की, फिर नैहर फिल्म की, ऐसी कई सारी फिल्में लाइनअप है जो लोगों को पसंद आ रही है। तो बिल्कुल आपका सवाल एकदम सही है, जब भी कंटेंट को ध्यान में रख के फिल्में बनाई जाती है तो लोग पसंद करते हैं। क्या उसी पे ध्यान दें, क्या मैं जी भी चुनाव लड़ सकती हैं? अक्सर ऐसी फिल्में निकल आ जाती हैं। मैं तो कभी भी लड़ सकती हूँ, एक बार गुस्सा आ जाए मैं किसी से भी लड़ सकती हूँ, बस गुस्सा दिला दो आप। दिनेश भैया, भोजपुरी इंडस्ट्री से आपकी बार सांसद कौन आ रहा है? जी भोजपुरी इंडस्ट्री से आपकी बार सांसद कौन आ रहा है? सांसद सिंह, पवन सिंह आ रहे हैं। अगला नंबर तो पवन सिंह का ही। कल कल्लू जी ने भी स्टेज पे कहा था पावर स्टार पवन सिंह जी को कि भैया भोजपुरी में तो पावर स्टार को देखेंगे सांसद में। चलिए भैया क्या कहेंगे बीजेपी को लेके, क्योंकि खास करके वो अभी राम भजन भी लाए हैं मोदी जी पे, और उसकी को लेके भी क्या? मुझे लगता है कि जो हमारा भोजपुरी समाज है, आप सब जानते हैं कि हमारा भोजपुरी समाज जो है वो इतना देश के प्रति लगाव रखता है। आपको पता है कि हमारे बिहार की धरती से ही बाबू वीर कुंवर सिंह जी को आप याद करते हैं जी। तो देश प्रेम इतना भरा हुआ है ना भोजपुरी भाषियों में, लोग देश के लिए अच्छा कर रहा है, जब भी आएंगे तो उनके साथ ही आएंगे।